IGTU MSU में एडमिशन शुरू हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें, इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया है, वो चेक तो जरूर कर लेना चाहिए, बट आपको कब तक चेक नहीं करना जब तक आपको पूरी प्रोसेस नहीं मालूम है। तो प्रोसेस जानने के बाद आप चेक कर सकते हैं, प्रोसेस क्या देख लीजिए। स्टार्ट कहाँ से करनी है, अपने ब्राउज़र से, किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कीजिएगा। वहाँ पर आपको टाइप करनी है IGTAMSU एडमिशन 2032 IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको IGTAMSU के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सो गूगल सर्च पर क्लिक करना है और सर्च करना है, और करते ही आपको ये फर्स्ट वाला लिंक पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करते आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको अप्लीकेशन रिलीज़ हो चुकी है आपके। क्लिक हियर टू चेक अप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुई है आपकी, चेक कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपके सामने जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करें जिसमें आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्ट रेट, कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें फिल करके। हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, मैंने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा बता सकता हूँ, ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर लिया तो ग्रेजुएशन बता सकता हूँ, मास्टर्स यानी पीजी, तो जो भी आपने किया। नेक्स्ट आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करनी है, जिससे ये होता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलेंगे। ऐसे कट कर देना। ओके, आगे बढ़ने से पहले गुड न्यूज़ देना चाहूँगा आपके लिए। गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 4th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हैं, काफ़ी ईजी है। सो आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी इन 2032 ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 16th February। तो आपको क्या करना, फिल करने के लिए आपको क्लिक हियर टू चेक पर क्लिक करना। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो आप न्यू टैब में ओपन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गई आपकी, आपको देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करनी पड़ेगी, और फिल करने से पहले मतलब फिल करना मतलब आपको खुद ऑफलाइन करना है, मतलब आपको पहले डाउनलोड करनी है, प्रिंट आउट निकालनी है, और आपको रिटर्न फिल करनी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या प्रोसेस है इसमें फिल करने का। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर, एडमिशन डेट वगैरह। पहले तो आपको यहाँ पर फ़ोटो चाहिए, आपका फ़ोटो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डेट, यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, आपका नाम क्या है, आप अपना नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, जो भी आपका नाम होगा तो आप अपना नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। नेक्स्ट आपका नेशनलिटी बता देंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया बता देंगे। फादर का नाम इजी, मदर नेम, पेरेंट्स और एड्रेस होती है, फिर उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या, वो एड्रेस देने के बाद आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना होता है। नेक्स्ट आपकी ईमेल आईडी जो भी होगी, ईमेल आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट्सएप या फिर मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होता है यहाँ पर, डिटेल्स ऑफ पेमेंट यहाँ पर है, अंडरटेकिंग और डेट्स, प्लेस एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स। तो सिग्नेचर आपका यहाँ पर चाहिए, सिग्नेचर देने के बाद आपको यहाँ पर इसे सबमिट कर देना होगा। तो पहले आपको करना क्या है, ये आप देख रहे हैं PDF, आप इसे पहले डाउनलोड करें या फिर प्रिंट आउट कहीं से भी निकलवा लें, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना कहीं से भी। प्रिंट आउट आने के बाद, पेपर फॉर्म में आने के बाद आपको इसे रिटर्न में यहाँ पर इसी तरीके से फिल कर देने होंगे, सब कुछ लिख देने होंगे हाथ से, पेन से। ओके, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का, ID बनाने के लिए, ID रिकॉर्ड में, चॉइस फॉर द कोर्स, यहाँ पर आप बता सकते हैं कोर्स, ठीक है। ये बताने के बाद आपको जैसा सारी चीज़ें मैंने बताया वो सब कुछ कंप्लीट करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के क्लिक करके इस पेज पर आएँ, अपना एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस को कम्प्लीट करें, ऑफलाइन लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।